जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्यकर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार। बाइबल क्या कहती है नामक कार्यक्रम की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम जीवन की उन परिस्थितियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनका संबंध हमारे व्यवहारिक जीवन से है। आज का विषय है पक्षपात और अन्याय। हमारे साथ हैं अमर जी जो हमें इस विषय के बारे में बताएंगे। जी अमर जी, पहले कार्यक्रम में मेरा भी दर्शकों का अभिनंदन। आइए हम इस विषय के बारे में चर्चा करते हैं जो एक बहुत विषम विषय है। इसके बारे में चर्चा तो बहुत अधिक हमारे अखबारों में, टेलीविजनों पे, रेडियो पर, हमारी राजनीति में सब जगह होती है। मैं तो इसमें इतना सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पर बाइबल का दृष्टिकोण अवश्य आपको दे सकता हूँ कि बाइबल इस बारे में क्या बताती है। आइए हम परमेश्वर के वचन से इस विषय को सुनते हैं। जब इज़राइल के लोगों को परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी, जब उन्हें इजिप्ट की गुलामी से निकाल कर, मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाल समुंदर के बाद जब उनको निकाल के लाए, तो परमेश्वर ने उनको नियम दिए। उसमें से कुछ नियम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये व्यवस्था विवरण 16 जो पुस्तक है उसके 18वीं आयत से है। ये 16 से 18 से लेकर 20 तक न्यायों की नियुक्ति, इसका शीर्षक है। तो अपने ही गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा यहोवा तुझको देता है न्याय करने वाले और ऑफिसर्स या ऑफिशियल जिसे कहते हैं या अधिकारी नियुक्त कर जो न्याय को धर्म से करें। न्याय से करें, धर्म का मतलब परमेश्वर के भय से करें। तू न्याय को ना बिगाड़ना, तू ना तो पक्षपात करना और ना ही रिश्वत लेना, क्योंकि रिश्वत बुद्धिमान की आंखों को अंधी कर देती है और धर्मियों की बात को पलट देती है। जो कुछ ठीक रहे उसी को पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे। देखिए, परमेश्वर की तो जो इच्छा है या परमेश्वर का जो वचन है वो ये कहता है कि आप न्याय के लिए, न्याय को किसी तरह से गलत जगह पर मत इस्तेमाल करो, उसका दुरुपयोग मत करो। अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली है या पैसे वाला है या आप झूठ से कोई गवाही वगैरह बनाकर किसी गलत न्याय को आगे मत आने दो, और जो सही है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। कई बार क्या होता है कि हमारे देश में मेजोरिटी ओपिनियन, मतलब बहुसंख्यक लोग या पैसे की पावर या वैसे जो बाहुबल की पावर है उससे हम जो न्याय है उसको बदल देते हैं, दुरुपयोग कर देते हैं। लेकिन बाइबल के हिसाब से ये गलत है। दूसरा जो वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ वो नीति वचन से है, जो 29वें अध्याय कई चौथी आयत है। उसमें लिखा है, न्याय से राजा स्थिर होता है परंतु जो घूस लेता है वो उलट जाता है। बाइबल ये कहती है कि रिश्वत लेना ठीक नहीं है। बाकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपना अपना दृष्टिकोण है, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर जो बाइबल कहती है वो गलत है। उसके बाद ये भी है जो नीति वचन के 16 में ये लिखा है कि जब मनुष्य के चाल चलन यहोवा को भावने लगते हैं, जब यहोवा को पसंद आ जाते हैं, तब वह उसके शत्रुओं को भी उससे मेल बनाकर रखता है।
अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना अधिक उत्तम है। इस वचन का क्या मतलब हुआ? इसका वचन का मतलब है कि आप ईमानदारी से जो भी आपके आमदनी मिले आप उसी में अपना गुजारा करो। जी। ये लिखा है कि जो अन्याय से कमाया हुआ पैसा है जो आदमी एकत्रित कर रहा है वो उस आदमी के लिए एकत्रित कर रहा है जो एक दिन गरीबों को बांट देगा। आपको एक और बात भी बता दूं, यीशु मसीह ने अपने वचन में ये कहा था कि तुम उस तरह से पैसा मत इकट्ठा करो इस धरती पर जिसे चूहे या दीमक खा ले या कोई चोर चुरा ले, बल्कि अपना धन उस दिन के लिए इकट्ठा करो जो तुम्हें स्वर्ग में काम आए। अगर हम रिश्वत से, बेईमानी से, हेरा फेरी से, अन्याय से, पक्षपात से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं इस धरती पर और उसके कुछ दिनों बाद हमारी मौत हो जाती, कब जब भी हमारा दिन मुकर्रर है परमेश्वर के पास हम जाएंगे, वहां के अकाउंट में तो हमने कुछ भी नहीं बचाया, वहां तो कोई सेविंग नहीं है, हमारी तो सब सेविंग यही धरती पर ही रह गई। कोई भी आदमी ना तो अपनी तिजोरी, ना अपना बैंक बैलेंस, ना अपनी चेकबुक, ना अपना जो कार्ड है आपका ऑटोमेटिक कार्ड अपने साथ लेके स्वर्ग तो जाएगा नहीं। तो इसलिए ये जो चीजें हैं परमेश्वर की, जो हिदायतें हैं बाइबल के, परमेश्वर की जो आपको इंस्ट्रक्शंस हैं, जो शिक्षा है, बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल ये बताती है कि मेरा परमेश्वर मेरी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। अगर आपके संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, अगर आपने अपने पापों को अंगीकार किया है और अपने जो संबंध है प्रभु यीशु मसीह के साथ बनाए हैं, उसके साथ आपकी रिलेशनशिप है, तो आप इस बात के अधिकारी हैं कि आप उससे प्रार्थना कर सकें। जब आप प्रार्थना करेंगे तो उसके वायदों की लिस्ट है, बीमारी के बारे में है, पैसे की आवश्यकता के बारे में है, जीवन की और बहुत सी आवश्यकताओं के बारे में है, शांति के बारे में। एक जगह ये लिखा है कि शांति का राजकुमार आपको जरूरत से ज्यादा हर चीज देगा। उसमें एक जगह ये भी लिखा है कि माय गॉड शैल सप्लाई ऑल ऑफ माय नीड्स, मेरा जो परमेश्वर है मेरी हर आवश्यकता को पूरी करेगा। या लिखा है बाय योर स्ट्राइप्स यू आर हील्ड, आप उसके घावों से आप चंगे हो गए हो। और एक लिखा है द पीस ऑफ गॉड विच पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग शैल कीप योर हार्ट एंड माइंड सेफ। तो क्या हमें परमेश्वर के पास इसलिए आना चाहिए क्योंकि वो हमें ये सारी चीजें देता है? देखिए ये चीजें आवश्यक है। बहुत से लोग सफर जो परेशान है, अशांत है, कुछ गरीब है, कुछ बीमार है, ये सब चीजें परमेश्वर की नेमतें जो उसके बलिदान के द्वारा हमारे पास आई हैं। गलतियों की पुस्तक 3:13 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा और उसने सूली पर जाकर मनुष्य जाति के सारे शाप अपने ऊपर ले लिए। और उस एक दूसरे में लिखा है जॉन के पत्री में कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए धरती पर आया कि वो शैतान के कामों का नाश कर सके। जो शैतान की विचारधारा है वो हमें दुखी, संकट में परेशान रखती है, वो हमें उठने नहीं देती। हम ऐसे बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग शापों के नीचे हैं, मुक्ति कैसे मिले, बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे लोगों के लिए जो असहाय हैं, जो असंभव परिस्थितियों में हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं है, परमेश्वर ने अपना प्रबंध किया है। जिसके पास हैवी बैंक बैलेंस है इस धरती के लिए उसको तो कमी नहीं है, जिसके पास रिसोर्सेज है उसको तो कमी नहीं है, जिसके पास पावर है उसको तो कमी नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो असहाय हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने अपना प्रबंध किया है। मनुष्य का जो प्रशासन है वो तो पक्षपात से भरा है, कई बार अन्याय से भी भरा है। न्याय उसी के लिए है जिसके पास पैसा है, या न्याय उसी के लिए है जिसके पास पावर है। और पक्षपात से वही बच सकता है जिसको कोई जानता है, रिश्तेदारी में कोई जानता है, या उसके भाषा का कोई व्यक्ति जानता है, या उसके जाति का कोई व्यक्ति जानता है, तो उसको फेवर मिल जाती है। लेकिन अगर मैं और आप ऐसी परिस्थिति में है कि हमारा कोई नहीं है, हम असहाय हैं, तो हमारे लिए ये विकल्प है कि हम अपने संबंध परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाएं, हम उसके राज्य में प्रवेश करें और उसके वायदों को ढूंढें।
और ऐसी जगह में जाकर विश्वासियों के साथ संगति करें जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। बाइबल ये बताती है कि एक व्यक्ति की प्रार्थना 1,000 लोगों को भगाएगी और 2 की 10,000 को भगाएगी। दूसरे शब्दों में, जब 2 व्यक्ति प्रार्थना करते तो 10 गुना परमेश्वर के फरिश्तों का प्रभाव बढ़ जाता है जी। आकाश में निरंतर युद्ध हो रहा है शैतान की ताकतों में और परमेश्वर की ताकत में। मनुष्य को जीतने के लिए तो परमेश्वर की तरफ, अगर परमेश्वर के टेंट में या खेमे में आप चले जाएंगे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे, और अगर आप परमेश्वर के खेमे में नहीं है तो आप उसकी सुरक्षा के दायरे से बाहर हैं। इसलिए बाइबल ये बताती है कि आपको अगर विनाश से बचना है, John 3:16, यूहन्ना की पुस्तक 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जी अमर जी, ये बातें सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अमर जी, क्या हम पक्षपात और अन्याय की परिस्थितियों को अपने समाज में बदल सकते हैं? तभी संभव है जब हमारा हृदय परिवर्तित हो जाएगा और जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर आ जाएगा और हम उस विचारधारा के अनुसार अपना जीवन यापन करना आरंभ कर देंगे, तो हमें पक्षपात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमें अच्छा नहीं लगेगा, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आ जाएगी और वो हमें अवरुद्ध करेगी इस मार्ग को कि हम ऐसा करते हैं। वो हमारी हमें अपने विवेक की आवाज़ सुनना आरंभ कर देंगे उसके बाद। तो ये संभव है अगर हमारे संबंध परमेश्वर के साथ हैं। तो अमर जी, हम इस समय छोटा सा गीत सुनेंगे और गीत के बाद फिर से इस बारे में बातचीत करेंगे। आंखें बंद है, सर है झुका हुआ, आंखें बंद है, सर है झुका हुआ, कदमों में तेरे दिल है रखा हुआ, यीशु मसीह है मन में बसा हुआ, यीशु मसीह है मन में बसा हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद है, सर है झुका हुआ, कदमों में तेरे दिल है रखा हुआ, यीशु मसीह है मन में बसा हुआ, यीशु मसीह है मन में बसा हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंदर आके बैठे हैं हम तेरे है कल में, प्यार मसीह का आया है अब हमारे दिल में,
तेरे है कल में प्यार मसीह का आया है अब हमारे दिल में है कितना आराम यहाँ है कितनी सच्चाई तेरी बातों से यीशु मैंने मुक्ति पाई भर दे तू रूह से करते हैं ये दुआ भर दे तू रूह से करते हैं ये दुआ हालेलुया 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 चलना है कितना मुबारक तेरी बातों से यीशु मैंने पाई ताकत तेरी राहों पे चलना है कितना मुबारक तेरी बातों से यीशु मैंने पाई ताकत अब मैं ऐसा पेड़ हूँ मौसम में फल लाऊंगा तेरे घर में लगा रहूं दूर कभी ना जाऊंगा तू मेरा प्याला तू हिस्सा मेरा तू मेरा प्याला तू हिस्सा मेरा हालेलुया 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 बंद है सर है झुका हुआ कदमों में तेरे दिल है रखा हुआ यीशु मसीह है मन में बसा हुआ हालेलुया 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 गीत के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम पक्षपात और अन्याय के विषय में बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ हैं अमर जी जो हमें इस विषय के बारे में और बताएंगे। जी अमर जी, देखिए हमको गाने से पहले ये बताया कि परमेश्वर का पक्षपात और अन्याय के बारे में क्या दृष्टिकोण है जी। और बाइबल ये भी कहती है कि स्वर्ग में परमेश्वर यीशु मसीह जहाँ उपस्थित है एक किताब है जिसका नाम है बुक ऑफ लाइफ। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनका नाम वहाँ लिखा हुआ होता है। जब मनुष्य का देहांत हो जाएगा तो वो परमेश्वर के समक्ष खड़ा होगा और उसके जीवन का न्याय किया जाएगा। या तो विवेक के आधार पर होगा या आप परमेश्वर को जानते हैं नहीं उसके आधार पर होगा। क्या आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? अगर आपका नाम बुक ऑफ लाइफ में नहीं है बाइबल के अनुसार तो आपके लिए वहां तो दो ही विकल्प है, या स्वर्ग या नर्क। और लोगों को इस बात का मालूम नहीं है कि परमेश्वर से को जानना हमें हमारे हृदय को परिवर्तित कर देता है। हम हमारी जो जीवन की आवश्यकता है बिना पक्षपात के और बिना अन्याय के पूरी हो जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर का जब हाथ हमारे जीवन में आता है तो उसकी कृपा आ जाती है। एक बाइबल में फिलिपियों की पुस्तक में ये आयत है कि परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से ऊपर है हमारे हृदयों को और हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखेगी। देखिए हृदय से तो खून निकलता है ना, हृदय में कहते हैं कि ब्लड है, ब्लड में लाइफ होती है। तो हमारा जब हृदय सुरक्षित हो जाएगा परमेश्वर की शांति हमारे हृदय को सुरक्षित रखेगी। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा मस्तिष्क सुरक्षित होगा, हमारी जो विचारधारा है वो स्थिर हो जाएगी। हमारा मस्तिष्क सुरक्षित हो गया, अपना हृदय सुरक्षित हो गया तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो
तो ये एक अजीब सा ज्ञान है कि आप परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जाने, आप अपने पापों को अंगीकार करें, अपने संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ बनाएं, आप उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें और हर तरह का दूसरा विनाश जो मनुष्य की विचारधारा का नतीजा है के द्वारा आता है वो तो आप हमको अच्छा लगता है, ठीक है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है कि आप जो चुनना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है। जी। ये भी लिखा है कि क्या फायदा मनुष्य ने दुनिया की सब दौलत तो हासिल कर ली लेकिन अपनी आत्मा गंवा दी। इसलिए बाइबल के अनुसार पक्षपात करना गलत है, रिश्वत लेना गलत है, अन्याय करना गलत है। बाकी चॉइस मेरी और आपकी है, हम जो चाहें हम कर सकते हैं। और ये भी लिखा है कि मनुष्य जो बीजेगा वो पाएगा। तो अगर कोई इंसान इसमें फंसा हुआ है और निकलना चाहता है तो उसके लिए आप क्या हल बताएंगे? उसका हल ये है, विकल्प ये है कि वो बोले, प्रभु आज तक मुझे इस बात का पता नहीं था, मेरा विवेक ने अवश्य मुझे बोला लेकिन मैं अपने विवेक की आवाज नहीं सुनी, अपनी कॉन्शियस को बात को नहीं माना, प्रभु मैं इस तरह के चक्रव्यूह में फंस गया, मैं अपने भविष्य को स्थिर करना चाहता हूँ, प्रभु मैं अपने जीवन में बहुतायत मांगता हूँ और मृत्यु के बाद अनंत जीवन मांगता हूँ, प्रभु मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ, मैं अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ। जब आप ये कहेंगे तो आप परमेश्वर के राज में प्रवेश कर जाएंगे। फिर आप ऐसे लोगों की संगति करिए जो परमेश्वर को जानते हैं और वो उनके वहाँ जाकर परमेश्वर की प्रशंसा कीजिए और ये जो परमेश्वर का वचन है इसका अध्ययन कीजिए। इसमें जीवन के हर सिद्धांत है, जीवन की हर परिस्थिति में कि आप अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें, आप काम पर जब जाएं तो आप कैसा व्यवहार करें, आप जब अपने पड़ोसी के साथ व्यवहार करते हैं तो कैसा करें। तो जीवन की हर तरह की शिक्षा है, शादी से संबंधित, ब्याह से संबंधित, परिवार के पालन पोषण से संबंधित, बच्चों से संबंधित, काम पर कैसे व्यवहार करें उससे संबंधित, और जीवन की बहुत सारी व्यवहारिक आवश्यकताओं के लिए ज्ञान इस पुस्तक में निहित है। बाइबल हमें हर तरह की बुराई से बचाती है। बाइबल में लिखा, अंग्रेजी में कहूंगा कि ईविल कम्युनिकेशन स्पॉइल्स बैड मैनर। अगर आपके अच्छे जो आते हैं वो दुनिया की विचारधारा खत्म खराब कर देती है तो उसके लिए परमेश्वर की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। जी। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो उनके नाम के आगे एक शब्द इस्तेमाल हुआ था, इमानुएल, जिसका मतलब है परमेश्वर मेरे संग। तो अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को अपने संग ले लेंगे, अगर आपने जीवन यात्रा में आप परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलेंगे, अगर आप उस पर विश्वास करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो आपके जीवन के जो पहाड़ हैं जिसके लिए आप इतना संघर्ष करते हैं, जिसके लिए आप अन्याय भी करते हैं, पक्षपात भी करते हैं और हो सकता है रिश्वत भी लेते हो, किसी को दोष नहीं दे रहे हो, लेकिन वो बाइबल के सिद्धांतों को बता रहा हूँ, तो परमेश्वर उन पहाड़ों को हटा देगा। बाइबल में ये भी लिखा है कि जो परमेश्वर के आशीर्वाद हैं वो मनुष्य को संपन्न बनाते हैं और संपन्नता के साथ कोई दुख संकट नहीं होता। जी। तो सबसे अच्छी तो संपन्नता वो है जिसमें आपको कोई दुखी ना हो। अगर आप पक्षपात करेंगे, अन्याय करेंगे तो आपकी जो अंदर से आत्मा है, या रिश्वत लेंगे तो आपको कचोटेगी, आपको अंदर से गिल्ट फील होगा, आपको अंदर से दुख फील होगा, आपको भय होगा कि मैं पकड़ा ना जाऊं। ठीक है ना, कहीं ना कहीं तो आपको अंदर से, आपके पीछे से, दिमाग से कोई ना कोई डर तो होगा, क्योंकि वो आपके विवेक की आवाज है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने संबंध परमेश्वर से बनाएं और उसकी विधियों के अनुसार चलें। परमेश्वर हमें प्रेम करता, आप उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं, लेकिन केवल जीते जी ही ये अवसर मिलता है कि हम प्रायश्चित करें। एक बार आपका और मेरा देहांत हो गया वो अवसर हमें नहीं मिलेगा। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने विश्वास को परमेश्वर की ओर ले जाएं और उससे अनुग्रह मांगे, प्रभु मेरे जीवन में मेरे साथ आ, तेरी उपस्थिति मेरे घर में आए, मेरे जीवन में आए, जब मैं काम पे जाऊं तो मेरे साथ चल, जब मैं काम पे आऊं तो मेरे साथ चल, और उसकी पवित्र आत्मा को निमंत्रण दे अपने जीवन में आने का, और ये विश्वास से संभव है। पर अमर जी, हमारे समाज में तो ये गलत नहीं माना जाता है।
हाँ, ऐसा है कि जब आपने विवेक की लोग आवाज नहीं सुनते हैं और जब सारे ही करते हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं जब सारे ही मरणगे तो असी भी मर जाएंगे, यू नो, तो जब सारे ही कहते हैं तो सारे ही फिर डूब जाएंगे। जो कहानी नोआ के टाइम की है कि नोआ के टाइम में जब परमेश्वर ने बुराई देखी तो फिर बाढ़ आई जी। तो इस सब का नतीजा भी हम प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं। हर चीज का तो बाइबल में लिखा है कि जो मनुष्य बीजता वो पाता, पहले भी कहा मैंने। तो हम उसे, जो हमारी ऐसी अन्याय का पैसा होता है वो किसी दूसरे तरीके से निकल भी जाता है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, ना ही किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूँ या ना ही कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो आपको हर्ट करे, लेकिन ये बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर कहता है उस आधार पर ये आवश्यक है कि हम अपने विवेक को सुरक्षित रखें, जिससे जब हमारा न्याय हो देहांत होने के बाद हम परमेश्वर के समक्ष खड़े रहे। तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में कैसे आमंत्रित कर सकते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति को आप अपने पापों को अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को अपना ये कह के, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे उद्धारकर्ता बनो, और उस कलीसिया में जाकर वहाँ के लोगों के साथ संगति करके, और उसके बाद पवित्र आत्मा को निमंत्रण करके, और उसका वचन पढ़ना आरंभ कर दीजिए। उसके वचन के अंदर ऐसी ऐसी इंसाइट्स हैं, स्पेशल खास तरह का ज्ञान है जो आपके जीवन के प्रत्येक इलाके में, जीवन के प्रत्येक पहलू में आपका मार्गदर्शन करेगा, और फिर आप परमेश्वर के हो जाएंगे, वो आपके संग जीवन में हो जाएगा और आपका जीवन आसान हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपका जीवन विश्राम का हो जाएगा और आपको भय नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, और आपकी उम्र भी लंबी होगी जी। अमर जी, क्यों ना आप हमारे दर्शकों के लिए इस समय प्रार्थना करें और उन्हें आशीष दे, और प्रार्थना करें कि परमेश्वर का जो अभिषेक है उनके ऊपर आए, जिससे कि वो इस परिस्थितियों से बाहर निकल सके। प्रार्थना करते हैं जी। नमस्कार। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम अपने दर्शक गणों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के लिए प्रभु जो पक्षपात करते हैं, या वो कुछ लोग जो अन्याय करते हैं, या कुछ लोग जो न्याय करना चाहते हैं लेकिन इस ऐसे चक्रों में फंसे कि उनका बस नहीं चलता। प्रभु, जो लोग रिश्वत भी लेते हैं, हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन सबको तेरे सामने लाते हैं प्रभु। तो अपने ज्ञान के अनुसार उनके हृदयों को संचालित कर, जिससे प्रभु तो वो भी तैयार हो जाए कि एक दिन जब उनका जीवन चला जाएगा वो तेरे समक्ष खड़े होंगे। प्रभु, तेरा वचन ये कहता है कि तू हर व्यक्ति से प्यार करता है और तू पापों को क्षमा कर देता है। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि वो अपने पापों की क्षमा मांगे और तेरे पास आए और तुझे व्यक्तिगत रूप से अपना उद्धार करता स्वीकार करें, जिससे उनकी विचारधारा बदल जाए और उनका जीवन बदल जाए। ये सब मैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर, आमीन। आमीन। अमर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारे साथ इस विषय पे बातचीत की। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको इस विषय के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें संपर्क करें। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।